एपिसोड की स्टार्टिंग में ऐसे ही जगह पे ट्रेनिंग कर रहा होता है और आउटलेट के हाथ यूज़ कर रहा होता है अपना ग्रास टाइप रिमूव जो होता है ब्लूम डूम, लेकिन ये वर्क नहीं करता क्योंकि एस का पोज गलत होता है। तब एस बोलता है ये अजीब है, ये वर्क क्यों नहीं किया। तब मेलो आके बोलती है क्योंकि तुम गलत पोज कर रहे हो, कल मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था ये पोज लेकिन तब भी तुम गलत कर रहे हो। तब सोवर्ग्लिस बोलता है मुझे नहीं लगता एस कि तुम ग्रैंड ट्रायल के तैयार हो, लेकिन वो बोलता है ये सब मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। तब किया बोलता है हाँ मुझे भी यही लगता है। तभी तुम ऐसो लिली लाना बातें कर रही होती है कि ये पहला ग्रैंड ट्रायल हम देखने वाले हैं, हम काफी एक्साइटेड हैं। यहाँ एस के सभी बॉयफ्रेंड पास आ जाते हैं उसकी। तो वो कहता है रोग्राफ तुम काफी एनर्जेटिक लग रहे हो, तो क्या तुम ट्रेनिंग करना चाहोगे, लेकिन देर में उसे काट लेता है। तब एस बोलता है वाह रोग्राफ तुम तो सच में काफी एनर्जेटिक लग रहे हो, मुझे लगता है कि अगर तुम ऐसा एटीट्यूड बरकरार रखोगे तो मुझे पक्का जीत जाएंगे। तब क्या बोलता है पर याद रखना एस कि तुम ट्रेनिंग करते रहना। हाँ तुमने सही कहा, मैं एकदम बेस्ट शॉट देने वाला हूँ। और एक जगह ओलिविया पूजा कर रही होती है टापू लीली की, और वो कहती है मैं अकाला की कहूना। ओलिविया रिसीव करती है ग्रैंड ट्रायल को। ट्रायल्स एंड डिटरमिनेशंस। फिर यहाँ हैस के सभी दोस्त पहुंच जाते हैं। प्रोफेसर बताते हैं कि ये है रुइन ऑफ लाइफ जो श्राइन है टापू लीली का, लेकिन आज के लिए ये ग्रैंड ट्रायल की बैटल फील्ड बनेगी और हम सब तुम्हें चीयर करेंगे ऐश, इसके जैसे वहाँ चले जाते हैं। यहाँ हैस बैटल फील्ड में आता है और वहाँ से आती है ओलिविया अपने मिड डे लाइगन रोक के साथ, लेकिन यहाँ राउलेट भोगने लग जाता है, लेकिन वो इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देती। फिर वो कहती है मैं अकाला आइलैंड की कहूना ओलिविया इस ग्रैंड ट्रायल को ग्रांट करती हूँ और मैं चाहती हूँ टापू लेले और वेला वोल्केनो इसका साक्षी बने। मेलो कहती है ओलिविया कितनी कूल लग रही है, और लारा कहती है ये बिल्कुल डिफरेंट पर्सन लग रही है, लेकिन तभी वो बोलती है तो चलो एस बैटल स्टार्ट करें। तब वो कहती है जल्दी बोल दिया। यहाँ एस का रोग्राफ एक्साइटमेंट ज्यादा दिखा रहा होता है और कंट्रोल में नहीं आ रहा होता, ऐसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन उसे काट लेता है। सोवर्ग्लिस बोलता है ये कितना लापरवाह लग रहा है, लेकिन लाना बोलती है आखिर मैटर क्या है। तब प्रोफेसर कहते हैं अपने पोकेमोन निकालो। तब ओलिविया निकालती है प्रोवे पास को। फिर रोटोम बताता है प्रोवे पास ड्रो को स्टील टाइप पोकेमोन है जो मिनी नोज को कंट्रोल करता है मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से। तो ऐसा सोचने लग जाता है कि इसके लिए कौन सा पोकेमोन बेस्ट रहेगा, लेकिन तभी उसे रोक देती है और बताती है कि ओन्स के साथ मेरा सेकंड पोकेमोन होगा लाइगेंड्रॉक, जिसको सुन के प्रोफेसर भी शॉक हो जाते हैं। फिर किया बोलता है मेरे ट्रायल में ऐसा नहीं हुआ था, हमने 1-on-1 बैटल की थी। लेकिन ओलिविया बताती है पहली बात तो ये एस ने पहला ग्रैंड ट्रायल पार कर रखा है, और दूसरी बात इसके पास 3 क्रिस्टल हैं, तो ग्रैंड ट्रायल इंप्रूवमेंट के लिए होते हैं, तो ये बैटल डबल बैटल में कन्वर्ट हो चुकी है, जिसमें एस भी काफी एक्साइटमेंट दिखाता है। जब कुकुई एस को देखते हैं तो काफी हैरान हो जाते हैं कि इसके अंदर से ब्लू फ्लेम निकल रही है। वो अपना पहला पोकेमोन चूज करने वाला ही होता है, उतनी देर में रोग्राफ आगे आ जाता है, तो उसकी डिटरमिनेशन में देख के वो उसे पहला पोकेमोन चूज कर लेता है, और इसका सेकंड पोकेमोन होता है राउलेट। इसको देख के मेलो काफी खुश होती है क्योंकि ये भी काफी एनर्जेटिक लग रहा है और ये सो नहीं रहा है। फिर अब ग्रैंड ट्रायल स्टार्ट होता है, जहाँ पर सबसे पहले एस यूज करता है राउलेट के लीफेज और रोग्राफ के रॉक थ्रो से। लिली काफी हैरान होती है कि एस ने एक साथ 2 कमांड दी। फिर सोवर्ग्लिस बताता है कि डबल बैटल में ट्रेनर के स्किल्स और डिसीजन देखे जाते हैं। इसके बाद ओलिविया अपने दोनों पोकेमोन के साथ लाती है और फिर लाइगन रॉक को रॉक स्लाइड यूज करने को कहती है, जिसका डैमेज इन दोनों के साथ होता है। मेलो ये देख के हैरान हो जाती है कि इन दोनों के साथ डैमेज हुआ, लेकिन क्या बताता है रॉक स्लाइड ऐसे काम करता है, इसीलिए ये डेंजरस मूव है। फिर वो प्रोवे पास को कमांड देती है स्टेल्थ रॉक की, जो एक घेरा बना देता है पत्थरों का जो दिखाई भी नहीं देता। रोग्राफ उससे बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे टकरा जाता है। यहाँ एस के सभी दोस्त बात कर रहे होते हैं कि स्टेल्थ रॉक काफी बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है इस बैटल में। क्या बोलता है ओलिविया ने कमाल की है, उसने अटैक के लिए लाइगन रॉक यूज कर रखा है और बैकअप के लिए प्रोवे पास, ये सच में काफी कमाल की है, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था ये चाहे इतना मुश्किल होगा। फिर एस राउलेट को कमांड देता है कि रोग्राफ को लेके हवा में उड़ जाए। उसके बाद वो लीफे यूज करता है प्रोवे पास के ऊपर, जो हिट भी होता है। ओलिविया कहती है ये सब काफी इंप्रेसिव है, लेकिन मैंने कुछ सोच रखा है। जिसके बाद वो मैग्नेटिक बॉम्ब यूज करती है, जिसको वो डोज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन इसकी फॉर्मेशन को वो काउंटर नहीं कर पा रहे होते। फिर बाद में चल के एस रॉक्रफ को रॉक थ्रो यूज करने को कहता है, जिसे 2 ब्लॉक हो जाते हैं, लेकिन एक पीछे होता है जो फूटने के बाद इन्हें स्टेल्थ रॉक पे फेंक के मारता है, जिससे ज्यादा डैमेज होता है। ये कौन सा पोकेमोन है? डोंट वरी, टाइम की कोई लिमिट नहीं है, कमेंट कर देना कभी भी। यहाँ रॉक्रफ और राउलेट उठने की कोशिश कर रहे होते हैं। तब ओलिविया बोलती है एस माना कि मैग्नेटिक बॉम्ब एक ही लगा है, लेकिन तब भी डैमेज काफी ज्यादा हुआ होगा। लिली बोलती है ये 5-2 हो रहा है, ये तो अनफेयर लग रहा है, मुझे लगता कि ऐसे ऐसे पार कर पाएगा। लेकिन सोवर्ग्लिस और कियावे को पूरा भरोसा होता है कि ऐसे कैसे ना कैसे करके इस चैलेंज को पूरा कर लेगा, और एस भी बिल्कुल यही कहता है, जिसे देख के प्रोफेसर काफी खुश होते हैं। और ओलिविया कहती है अब तुम चार्ज हो गए हो वेला वोल्केनो की तरह, बहुत कम चैलेंजर होते हैं एस तुम्हारे जैसे जो बेस्ट कर सकते हैं। जिसके तो कमांड देती है प्रोपास जैप कैनन यूज करो राउलेट पे, और लाइगन रॉक एक्शन रॉक यूज करो रोग्राफ पे। जिसके बाद एस बोलता है राउलेट रोग्राफ को उठा के द्वार ऊपर ले जाओ और लाइगन रॉक पे अटैक करो लीफी से।
जिसके बाद वो बिल्कुल वैसे ही करता है, क्योंकि हवा में होता है वो पीछे आ जाता है इसके डिफेंस के और अटैक कर भी देता है, जिसके बाद वो ऊपर जा रहा होता है। लेकिन तभी उनका कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, जहाँ उसके ऊपर चढ़ के उसकी छोटी छोटी नोज के ऊपर चढ़ते हुए उसके पास पहुंच जाता है और ऐसे रोक मार के उसे जमीन पर गिरा देता है, जिसे देख के रोटों काफी इंप्रेस हो जाता है और अपनी वीडियो छोड़ के डाटा कलेक्ट करने लग जाता है। फिर फ्रो पास जैप कैन शूट करने वाला होता है, लेकिन उतने में एस बोलता है रोक रफ रावलेट की हेल्प करो। उसके बाद वो उसकी मेन नोज पे लात मार देता है, जो उसके हमले से क्लैश कर जाती है, जिसे रावलेट बच जाता है। और यहाँ तो भाई मैं भी इंप्रेस हो गया था इसकी बैटल स्टाइल देख के। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आपको इस बैटल को एनिमेशन में देखना चाहिए, ना कि एक्सप्लेनेशन में, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। लेकिन एक्सप्लेनेशन में आपको पता जाएगा कि थीम क्या है। मैं बैटल देखना हो तो इसके बाद देख लेना, मस्त लगेगी बैटल भी। रोक रफ के स्टाइल से सभी लोग काफी इंप्रेस हो जाते हैं और रावलेट वो तो नॉर्मल रिएक्ट कर रहा होता है, वो कहता है टैंक यार बचा लिया मुझे। लेकिन रोग रफ काफी सीरियस होता है, जिसको देख के ये सभी कहने लग जाते हैं क्या चल क्या रहा है, ये काफी सीरियस लग रहा है इस मैच पे। वह तो वकीन कुछ नहीं बोलते, लेकिन यहाँ पर सबको समझ में आ रहा है कि वो क्या बोल रहे हैं। फिर ओलिविया प्रो पास और उसकी मिनी नोर को कमांड देती है कि नोर को घेर लो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो जीमू की तैयारी कर रही है। फिर इसको याद आता है कि ग्लैडियन ने जीमू मारा था रॉक टाइप वाला, जो ऊपर जाके बनता है। इसके बाद वो रावलेट को बोलता है कि रोग रफ को उठाओ और ऊपर ले चलो। इसके बाद वो जीमू मारने लगती है, जो होता है कॉन्टिनेंटल क्रश। एस रावलेट को बीच में रुकने को कहता है, जिसको देख के सभी हैरान हो जाते हैं कि एस तुम क्या कर रहे हो, वो तुम्हारे ऊपर बन रहा है। इसके बाद वो कुछ नहीं कहता। फिर रावलेट एवं नीचे आ रहा होता तेजी से, जिसके बाद प्रो पास के सभी मिनिनोज दूर होने लग जाते हैं और वापस आके उसी के पास लग जाते हैं। फिर धुआं हटने के बाद हमें पता लगता है कि वहाँ स्टेल्थ रोक के सभी पार्टिकल्स अब टूट चुके हैं। तो वगलिस कहता है ऐसा सच में काफी लकी है, लेकिन क्या भी बोलता है वो लक नहीं था, वो एस की स्ट्रेटेजी थी। फिर ओलिविया कहती है ये तो काफी स्मूथ हो गया, लेकिन बैटल अभी खत्म नहीं हुई। फिर वो प्रो पास को बोलती है गीगा इंपैक्ट के लिए और रोक स्लाइड यूज करने को कहती है रोक रफ के ऊपर। लेकिन एस बोलता है कि लीफेज से उसे काउंटर करो और रावलेट तुम बाइट यूज करो लाइकन रोक के ऊपर। फिर लीफेज क्लैश हो जाता है रोक स्लाइड से, लेकिन प्रो पास को डोज करने के बाद उसको अटैक करने जा रहा होता है। लेकिन देर में वो टर्न करके गीगा इंपैक्ट से यूज कर देता है, जिससे वो दीवार में आग लड़ता है। लेकिन वो जल्दी रिकवर करके उसके द्वारा आता है, उसे बाइट कर भी लेता है, जिसे वो छोड़ भी नहीं रहा होता। इसको देख के ओलिविया कभी हैरान होती है कि क्या डिटर्मिनेशन है इसकी। फिर ओलिविया मैग्नेट बॉम्ब यूज करने को कहती है रावलेट के ऊपर, जिसे वो डोज करने लग जाता है, जो उसका पीछा करते हुए जा रहे होते हैं। उसके सामने आता है और चाय से हटने के बाद उसी पे क्लैश कर जाते हैं, जिसके बाद वो जीमू की तैयारी करता है। लेकिन ओलिविया कहती है इतनी जल्दी क्या है। वो प्रो पास को कमांड देती है गीगा प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन ऐसे यहाँ पर जीमू की तैयारी कर रहा होता है रावलेट के साथ, जो होता है ब्लूम डूम, जिसके हिट होने के बाद बहुत बड़ा धमाका होता है। तब हमें पता लगता है कि प्रो पास फेंट हो गया है। अब ऐस के सारे दोस्त काफी खुश हैं। ओलिविया कहती है तुमने काफी अच्छा किया, अब सब कुछ तुम्हारे पर रहेगा। लेकिन रोक या ऐस रावलेट की तारीफ कर रहा है। वो रोक रहा अलग एनर्जेटिक दिख रहा है, वो अकेले अकेले लड़ना चाहता है लेकिन रोक से। फिर ऐस रावलेट को कमांड देता है कि रोग रफ को उठा के ले जाओ, लेकिन रोग रफ वो छटपटा रहा होता है। वो चार से उसके ऊपर ही बाइट मूव यूज कर देता है, जिसके बाद रावलेट भी हार जाता है। इसको देख के वो काफी घबरा जाता है। सभी लोग काफी परेशान है कि ये क्या हुआ और ये कैसे हुआ। फिर ऐसे दोस्त बातें कर रहे होते हैं कि रोग रफ को हुआ क्या, कि आवे बताता है उसने एक्साइटमेंट में अपना कंट्रोल खो दिया। रावलेट के पोकेबॉल में डालने के बाद वो रोग रफ को देखता है, जो काफी ज्यादा परेशान होता है। इसके बाद वो कहता है रोग रफ तुम्हें ये पोज याद है, जिसके बाद मैलो कहती है ये क्या पोज है। तब रोटो बताता है ये तो वही पोज है ना जब ये रोक रफ सीख रहा था। फिर एस बोलता है चलो रोक रफ लाइक एंड रोक को हराते हैं, जिसके बाद वो भी एनर्जेटिक हो जाता है। फिर ओलिविया कहती है ये इंटरेस्टिंग था एस, जिसके बाद वो रोक थ्रो यूज करता है और वो यूज करती है एक्सल रोक का, इनका क्लैश होता है। जिसके बाद वो बाइट मूव भी यूज कर देता है। उसके बाद वो रोक स्लाइड यूज करते हुए कहती है, लेकिन वो उसके बाद क्लाइम करते हुए चला जाता है और एकदम पास से दोबारा रोक थ्रो यूज करता है, जिसके बाद वो भी हार जाता है। फिर जैसे कुकु ये डिक्लेयर करते हैं कि लाइकन रोग यहाँ हार चुका है और विनर बन चुका है एस कैचम, उसके बाद रोग रफ भी गिर जाता है, जिसके बाद क्या ही बोलता है इतना क्लोज मैच मैंने पहले कभी नहीं देखा था। फिर ये दोनों ही अपने पोकेमोन को थैंक्स बोलते हैं इस बैटल के लिए और एस के सभी दोस्त उसकी तारीफ कर रहे होते हैं कि ये मैच काफी कमाल का था। ओलिविया भी कहती है जो जंप किया तुमने वो सच में लाजवाब था, तो तुम ग्रैंड ट्रायल जीत चुके हो और ये है काला का प्रेजेंट, एक रोक टाइप जी क्रिस्टल, जिसको देने वो जा रही होती है लेकिन तभी वो गिर जाती है। फिर वो दोबारा उठने के बाद उसको आराम से दे देती है, इस बार कुछ फनी सीन नहीं किया उसने। फिर वो कहती है इसे तो रोक रफ एक रोक टाइप जी मूव परफॉर्म कर पाएगा। फिर वो रोक रफ को दिखाता है कि रोक रफ अब तुम जी मूव परफॉर्म कर सकते हो रोक टाइप वाला। फिर वो थोड़ा परेशान दिख रहा होता है। तब ओलिविया कहती है एस मुझे लगता है कि तुम्हारा रोक रफ इवॉल्व होने वाला है। फिर प्रोफेसर बताते हैं हाँ एस उन्होंने सही कहा, जब रोक रफ इवॉल्व होने वाला होता है तो काफी इंडिविजुअल हो जाता है और काफी अग्रेसिव भी हो जाता है। फिर वो रोटम से कंफर्म करता है, रोटम बोलता है हाँ ऐसा उन्होंने सही कहा, बल्कि मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ तुम्हारे रोग रफ को इवॉल्व होते देखने के लिए, कि वो मिड डे लाइकन रोग बनेगा या फिर मिडनाइट लाइकन रोग। लेकिन रोग रफ अभी भी उदास खड़ा है। तब ऐसा बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस में इवॉल्व होगी, बस मुझे बिलीव है कि तुम सबसे बेस्ट ही बनोगी। फिर उसके ऊपर स्पार्कल्स गिरने लग जाते हैं। फिर ऊपर देखते हैं तो उन्हें दिखता है
कि वह टैपू लेले देख रही थी। फिर प्रोफेसर पूछते हैं कि ये क्या है, तब ओलिविया बताती है ये टैपू लेले है। तो आज ऐसे अकाला आइलैंड के ग्रैंड ट्रायल को कम्प्लीट करा है और रोम टाइप सीक्रेशन भी हासिल किया है, तो वह अकाला फील्ड ट्रिप बहुत जल्द खत्म होने वाली है, लेकिन जर्नी यह चलती रहेगी। तो चलिए रिव्यू करते हैं इस एपिसोड को, लेकिन रिव्यू से पहले इस वीडियो का जो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब अगर आप इस चैनल पर नए हैं। तो इस एपिसोड की सबसे कमाल की बात रही पूरी बैटल। इस बैटल में हमें काफ़ी कुछ देखने को मिला, नेरोग्राफ का टीनेजर रूप, राउलेट का सैवेज रूप, ऐसे कई सारी चीज़ देखने को मिली, इनका डुओ देखने को मिला, टीम वर्क अच्छा दिखा और रोग्राफ को काफ़ी अच्छा कैरेक्टर बिल्डअप भी करते हुए दिखा दिया गया। बिना किसी लैंग्वेज के भी हम पोकेमोन की लैंग्वेज को समझ पा रहे थे उनके फेशियल एक्सप्रेशन से, जो काफ़ी कमाल की बात रहती है हमेशा पोकेमोन की। तो मैं इसको दूंगा 10 out of 9.8 रेटिंग। 0.2 मैंने रेटिंग काटी है स्टील थ्रो की, जो मुझे खड़ा खटक रहा है कि वो ऐसा मूव नहीं है जैसा दिखाया गया है। जिसको नहीं पता लगा है वो सर्वेज से पूछ सकता है, सर्वेज को पता होगा स्टील थ्रो का स्वाद कैसा होता है।